दोस्त, मेरा लाइफ जिम में आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मैं अखिल मित्रा आज मैं आपसे एकदम इजी एक वेज मोमोज का रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, जो बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकता है। आप देख सकते हैं इतना शानदार दिख रहा है वेज मोमोज, जो बिल्कुल बजट जैसा बना सकता है। तो चलो दोस्त, कैसा बनाया जाता है वेज मोमोज एक बार देख लेता हूँ। तो मोमोज के लिए हम यहाँ मैदा लिया है। थोड़ा सा मैदा में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और डालेंगे तेल। अब इस पानी से हम अच्छी तरह से मालिश कर लेंगे इस मैदे को। तो मैंने इस तरह से मालिश कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, और तेल डालने के बाद हम और भी अच्छी तरह से थोड़ी देर मालिश करके इसे कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब तक रेस्ट हो तब तक हम इसका स्टफिंग बना लेंगे। तो मैंने यहाँ कैबेज लिया है बिल्कुल फाइन चॉप कट के, साथ में लिया गाजर और कैप्सिकम। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के इस वेजिटेबल को हम अच्छी तरह से हाथ से इस तरह मसल लेंगे, ताकि इसमें जो पानी रहेगा वो पानी निकल आएगा। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकल रहा है। तो हम हाथों के मदद से इस पानी को निकल के इस तरह पानी को अलग कर देंगे वेजिटेबल से। आप देख सकते हैं कितना सारा पानी निकल रहा है। तो मैंने इस तरह से सारे सब्जी का पानी को निकल दिया। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने लिया बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक और लहसुन, बिल्कुल फाइन चॉप काट ले। साथ में डालेंगे हम धनिया पत्ता, थोड़ा सा नमक और पेपर पाउडर, और इसी में हम डालेंगे एक चम्मच तेल। अब सारे मिश्रण को हम अच्छी तरह से मिला देंगे मसाले के साथ। तो हमारा स्टफिंग बनके बिल्कुल रेडी है। तो हमने एक इडली स्टीमर लिया है। आपके पास अगर मोमोस स्टीमर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरह इडली का स्टीमर में भी बना सकते हैं। तो हम इडली स्टीमर का ट्रे में ऑयल अप्लाई कर देंगे, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे इस तरह से, ताकि नीचे चिपके ना। अब हम मोमोज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इस मैदे का छोटा छोटा करके इस तरह से पेड़ा लेंगे, और आपको ध्यान रखना होगा बिल्कुल पतला होना चाहिए, एकदम पेपर जैसा पतला होना चाहिए। जितना पतला होगा उतना ही अच्छा आपका मोमोज बनेगा। अब इसमें हम एक चम्मच स्टफिंग डाल दिया है, तो हम इस कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से पहला अलाउद्दीन का चिराग बना दिया है। हमें अच्छी तरह से चिपक देना होगा, न तो ओपन हो जाएगा ये। तो मैंने इस तरह से एक बना लिया, एक दूसरा भी आपको बना के दिखाता हूँ। हमें खाली ध्यान रखना होगा एकदम पतला करके बेल लेना होगा, और इसी में हम डालेंगे एक चम्मच स्टफिंग, और हाथों से अच्छी तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है दोस्त मोमोस, बिल्कुल बाजार जैसा। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से भी बना दिया है, एक और बना के आपको दिखाता हूं। बहुत ही शानदार एक रेसिपी है और एकदम इजी बन जाता है, आप एक बार ट्राई जरूर करें। इस मोमोस के साथ में हमने जो चटनी सर्व करेंगे, इस चटनी का भी रेसिपी मेरा चैनल में डाला हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो हमारा मोमोज बन के रेडी। अब हम इडली ट्रे का ऊपर इस तरह से एक एक करके सजा देंगे। तो मैंने सारे मोमोज को इडली का ट्रे में सजा दिया है। अब इसे स्टीम के लिए रख देंगे। बस हम स्टीमर में थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इस ट्रे को बिठा देंगे। 5 मिनट में हो जाएगा हमारा मोमोस। आप देख सकते हैं
मोमो सिस्टम हो गया है, एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको। एक प्लेट में सजा लेंगे हम। वाओ, आप देख सकता है कितना शानदार दिख रहा है। चटनी के साथ में हम इस मोमो को सर्व करेंगे, आप एक बार ट्राई जरूर करें दोस्त, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल बाजार जैसा मोमोस। इस चटनी का रेसिपी भी मेरा चैनल में छोड़ा हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। वेज मोमोस का रेसिपी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मोमोस का रेसिपी का वीडियो आपको दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट कौन सा रेसिपी चाहिए, तो मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। वेज मोमोस एंजॉय कीजिए, हम फिर मिलेंगे कोई नया रेसिपी के साथ, तब तक खुश रहिए।